वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग योर सुपर स्टार्स वेरी क्लोज टू यू, और इस समय हमारे साथ मौजूद एक ऐसे सुपर स्टार जो दिल्ली से हैं, दिल वालों की दिल्ली से। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली चिली में। जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो दिल्ली चिली है, दिल्ली से हम आपको रूबरू कराते हैं, दिल्ली के लोगों से रूबरू कराते हैं, तो ये बताइए दिल्ली जो दिल वालों की है वहाँ से होना कितनी गर्व महसूस होता है? मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, मैं पैदा दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन ठीक है पला बड़ा बाहर, लेकिन अब मैं जब भी वापस आता हूँ दिल्ली, मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी दूर गया था, यहाँ तो ऐसे ही लगता है कि घर है, और मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ मैं इतने टाइम बाद नहीं आ रहा हूँ, कि मैं तो कल ही था यहाँ पे, सुबह सो के उठा यहाँ पे, ऐसे ही लगता है। दिल्ली से मुंबई का सफ़र 1200 किलोमीटर का है, लेकिन जब एक एक्टर बनने निकलते हैं तो सफ़र बड़ा भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम देखते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रगलिंग पीरियड ही गुजार देते हैं, लेकिन यू आर द लकीएस्ट वन। जो जर्नी होती है हर इंसान की, जो जर्नी है हर इंसान का, एक सफ़र जो होता है वो हर किसी का, जो संघर्ष होता है वो अलग अलग होता है, बस आपका देखने का नज़रिया अलग होता है। तो मेरा भी जो है आपने बोला 1200 किलोमीटर, मैं बाहर भी पला बड़ा, तो मैं वो किलोमीटर्स और इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जितना भी डिस्टेंस जो आपने बताया ना, जब हम एक्टर बनने जाते हैं तो ये जो किलोमीटर होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हर पल हर दिन जब कटता है, जब आप पेशेंटली वेट कर रहे होते हो कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आप लगातार ऑडिशंस दे रहे होते हैं, आपको ना सुनने की आदत भी लगानी पड़ती है, आपको बहुत स्ट्रांग बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कई कोई लोग होते हैं जो कर जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इफ आई एम वन ऑफ द फ्यू, तो एक इंस्पिरेशन बने मेरी स्टोरी उनके लिए। किस तरह की मूवी, पहले ये बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, अक्सर 2 सबको पसंद आ रही है, गाने भी पसंद आ रहे हैं ऑडियंस को, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ है, अक्सर 2 एक इरोटिक थ्रिलर बिल्कुल नहीं है, अक्सर 2 इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर। तो वो लोग पूछते हैं कि फिल्म में किसिंग सीन है, तो किसिंग सीन डज नॉट मीन इट्स एन इरोटिक फिल्म, वो तो आई थिंक आजकल आम सबकी लाइफ में हो ही रहे, तो इट्स नॉट एन इरोटिक जॉनर एट ऑल, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। आप गेस करते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और जैसे ही आपको लगेगा कि ये होने वाला है, उसी टाइम दोबारा एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है फिल्म। बिल्कुल, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हम देख रहे हैं, गौतम रोडेस के अंदर है, श्रीसंत मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हम उनको ऑन स्क्रीन देखेंगे, तो जरीन है, ब्यूटीफुल जरीन आपके साथ हैं, तो व्हाट यू थिंक कि बहुत सारे स्टार्स जब एक मूवी में होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी एक्टर का रोल जो होता है इट गेट्स ओवरशैडो, और इट्स गेट लाइक चैलेंजिंग कि यस वी एवरीबडी हैज़ टू इम्प्रूव एंड एवरीबडी हैज़ टू गिव देयर बेस्ट। देन आई थिंक एवरी एक्टर शुड गिव देयर बेस्ट रिगार्डलेस ऑफ आपके साथ कौन काम कर रहे हैं। बट अक्सर 2 जो फिल्म है, चार पांच कैरेक्टर्स की फिल्म है, पांच छह कैरेक्टर्स की फिल्म है, तो उसमें हर कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो हर कैरेक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो वो होता है लोग पूछते हैं कि क्या उसका परफॉर्मेंस आपको ओवरशैडो करेगा या क्या इसका ओवरशैडो करेगा, लेकिन ये जो स्टोरी है इट्स अ 2 आवर स्टोरी, बहुत क्रिस्प कटिंग है, टाइट फिल्म है। इसके अंदर आपका किरदार एक बच्चन का है, योर नेम इज बच्चन, तो कितना आप रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग रिलेट करते हैं कि क्या ये असली ज़िंदगी में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि तो आप अपने आप को कितना रिलेट करते हैं, रियल और रियल लाइफ में कितने अलग हैं? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है बच्चन सिंह, तो वो भी थोड़ा ग्रेश है, बिकॉज आई थिंक आजकल जब मैं प्रिपेयर कर रहा था थोड़ा इस कैरेक्टर के लिए, मेरे अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है कैरेक्टर की, शायद 1% होगी, क्योंकि वो हर इंसान में ग्रे होता है, ग्रे शेड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हर इंसान में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आती है, खुदगर्ज होता है, तो जैसे इस फिल्म में भी क्या है, हर कैरेक्टर के लाइफ में कोई ना कोई चांस आते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो भी शायद उसका शेड चेंज होता है, अगर वो ग्रे है तो शायद उसका शेड भी शायद पॉजिटिव होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी, हाउ यू सी इट, आपका नज़रिया क्या है और कैसे उस अपॉर्चुनिटी को आप सीज करते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि आसानी से चीज़ आने वाली है, और वैसा अक्सर होता नहीं है रियल लाइफ में, लाइफ आपके पास एक और कोई मोड़ लेके आती है। हम ये बता दें कि मोहित इज़ अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, राइट, तो ऐसा कोई आपने कोई डायलॉग कोई ऐसा देखा हो, इंस्पिरेशन फैक्टर आपके शाहरुख रहे हो, जो उसका आप एक कोई भी एक डायलॉग जो आप बोलना चाहते हैं अपने लव्स में? जब बचपन से ही मैं शाहरुख खान की फिल्म देखता आ रहा हूँ, अब मैं उनका कोई डायलॉग बोलना नहीं चाहता जान के, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो बहुत सही बोला है, हम लोग बस उससे इंस्पायर होते हैं, हम भी बोलते हैं यार मैं भी ऐसा करूँगा या मैं भी ऐसा करूँगा, रियल लाइफ में हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब रील पे आते हैं एज एन एक्टर मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं,
सो मोहित, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद लव मेकिंग सीन्स? क्योंकि हम देखते हैं कि और देख भी रहे हैं, ये आपने बताया इरोटिक नहीं है, सस्पेंस है, लेकिन फिर भी हम ये जान चाहेंगे हाउ कंफर्टेबल यू फील ऑन स्क्रीन लव लव मेकिंग सीन्स, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है यार. आई अंडरस्टैंड, मुश्किल तो होता है, एक्टिंग इटसेल्फ इज नॉट ईजी. बट जैसे अगर देखें इन जनरल आई टॉक, जब आप लव मेकिंग सीन्स करते हैं तो आप उसके अंदर अकेले नहीं होते हो. जैसे रियल लाइफ में जब आप लव मेकिंग जब कर रहे होते हैं, मैं सीन तो नहीं बोलूँगा, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ लड़का लड़की होते हैं. अब जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, आप लड़का लड़की एक्टर्स तो हैं ही, लेकिन आपके साथ में 100 लोग और होते हैं, तो वो एक कंफर्ट लेवल, वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है. बट बिकॉज वी आर एक्टर्स, वी अंडरस्टैंड कि एक लिमिट होती है कहाँ तक परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट वो ऑकवर्ड ना भी लगे. एंड आपके पास शायद अपने को स्टार के लिए यू डोंट फील दैट वे बिकॉज यू नो वी आर प्रोफेशनल, वी आर वर्किंग. तो बट इफ योर कैरेक्टर डिमांड्स इट, डेफिनेटली यू शुड डू इट. एक उसमें उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम हमारा हमारा देश भी 125 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी है, तो शर्मा तो आई डोंट थिंक कोई शर्माता है आजकल. के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं और आपके पॉकेट में, जो हम और देख पाएंगे आप? अगली फिल्म जो है इट्स विद ऋषिता भट्ट, डायरेक्टेड बाय मिस्टर जोजो डिसूजा. एंड ये फिल्म है, मेरे जो किरदार है हस्बैंड वाइफ का, हमारा कैरेक्टर्स हैं. एंड उसमें मेरी वाइफ को स्प्लिट पर्सनैलिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया. तो इसका कोई मेडिकली मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई इलाज है नहीं पर्टिकुलर कि आप दवा खाओ और ठीक हो जाओगे. बिकॉज ये चीज़ होती है, आप अपने अंदर ही बचपन में या कुछ कभी हादसा होता है आपकी लाइफ में, आप अंदर अंदर ही एक पर्सनैलिटी डेवलप करने लगते हो. यह अक्सर आजकल होता है बहुत, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं. तो उसको ऐसे लोगों के साथ आपको कैसे पेश आना चाहिए, वो फिल्म में दिखाया गया है. इट्स अ फिल्म अबाउट लव, फैमिली एंड कमिटमेंट. तो ये आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट, और उसके आगे भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो, लेकिन वो धीरे धीरे बात करेंगे. दोबारा मिलूंगा आपसे. चलिए बैक टू अक्सर, जो क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस फैंस को, बिकॉज ये वही लोग हैं जो हम हमको इतना प्यार देके हमें भी हिट करते हैं, आप लोगों को भी प्यार देके भी हिट करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? जी मैं तो यही कहूँगा कि मुझे भी प्यार दीजिए और मुझे भी हिट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन जर्नी होती है. एंड मैं यही आगे आगे और एंटरटेन करता रहूँगा सबको, और फिल्में लाता रहूँगा. एंड आपके सपोर्ट से ही एक एक्टर आगे जाता है. सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू कीप सपोर्टिंग मी. हम यही चाहते हैं कि आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ जाना चाहते हैं जाइए और मूवी को थिएटर्स में इंजॉय कीजिए. दिल्ली चिली के लिए सौरभ शर्मा.